माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल टू अदर इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन फैक्टर्स एंड नंबर सिस्टम. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन सच दैट एन हैज एट मोस्ट 3 फैक्टर्स. एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज लेस देन 100. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? वी नीड सच नंबर्स विच हैव एट मोस्ट 3 फैक्टर्स. यानी कि क्या क्या अलाउड है? 1 फैक्टर होगा चलेगा, 2 फैक्टर्स होंगे ये भी चलेगा, एट द मैक्स 3 फैक्टर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं चलेंगे. सो 1 फैक्टर का केस, 2 फैक्टर का केस और 3 फैक्टर्स का केस. 1 फैक्टर कब होता है? देयर इज ओनली 1 नंबर जिसका कि सिर्फ 1 फैक्टर है. That number is 1 itself. Isn't it so? सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर है जिसका कि 1 फैक्टर है. और 2 फैक्टर्स के नंबर्स क्या होते हैं? The numbers which are prime numbers. Prime numbers. 3 फैक्टर्स, 3 is a odd number. 3 फैक्टर्स होंगे जबकि कोई नंबर हमारा प्राइम नंबर का स्क्वायर हो. प्राइम नंबर का स्क्वायर हो तभी तो 3 फैक्टर्स होंगे, क्योंकि अगर कॉम्पोजिट का स्क्वायर होगा तब ज्यादा फैक्टर्स होंगे उसमें. फॉर एग्जांपल इवन 4 का स्क्वायर भी देखें तो 4 हमारा क्या है? 4 is 2 to the power 2. तो यहां पे फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3, बिकॉज दिस इज प्राइम का स्क्वायर. बट अगर हम 4 का स्क्वायर करें दैट विल बी 16, और 16 होगा 2 to the power 4, यानी कि यहां पे फैक्टर्स हो जाएंगे 5, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइम में कन्वर्ट करोगे तो पावर ज्यादा हो जाएगी. दैट इज वाई 3 फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ उस केस में होंगे जहां पे हमारा प्राइम का स्क्वायर होगा. क्या तीनों बातें समझ में आती है? कि 1 फैक्टर विल बी ओनली इन 1 केस when the number is 1, 2 factors will be only in the case when the number is prime, because prime ke 2 hi factors honge, ek to 1 aur ek wo number khud, aur 3 factors honge prime square ke case mein, because wahan pe 3 hi factors honge, 1 the prime number and prime ka square, only 3 factors. So in teenon cases ko hume count karna hai. We need to find out ki how many such numbers will be there if n is a positive number less than 100. सो 1 फैक्टर का तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही केस होने वाला है, दैट इज नंबर 1 itself. तो सिर्फ 1 केस होगा. 2 फैक्टर से कितने केसेस बनेंगे? सो बेसिकली दोज विल बी प्राइम्स, प्राइम्स लेस देन 100. सो 1 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं? 25 प्राइम्स है, भूल तो नहीं गया हो ना? 25 प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर 100 तक. एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. 25, 2, 3, 5, 7, 11, 5 तो ये हो गए. Then 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 15 primes हो गए which are less than 50. Then 53, 59, 61, 67, 71. 73, 79, 83, 89 and 97. ये सारे हमारे 10 primes which are between 50 and 100. टोटल हो गया 25 primes. अब 3 factors वाले नंबर्स कितने आएंगे? Those which are prime का square but less than 100. तो 2 का square होगा, 3 square होगा, 5 square होगा, 7 square होगा, 11 square will be 3 digit. तो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर्स होंगे हमारे. सो 4 such numbers आ देयर. टोटल नंबर्स हमारे हो गए 1 plus 25 plus 4, यानी कि 30 such numbers आ देयर. टोटल 30 such values आर पॉसिबल. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1001 एक्सक्लूडिंग द मल्टीपल्स ऑफ 1001. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1001 एक्सक्लूडिंग द मल्टीपल्स ऑफ 1001. ओके, सो 1001 इज अ स्पेशल नंबर, वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड इट. 1001 क्या होता है? दिस इज 7 × 11 × 13. 3 primes का मल्टीपल है. और वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1001 विच आर एक्सक्लूडिंग द मल्टीपल्स ऑफ 1001. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर फैक्टर है तो मल्टीपल कैसे होगा? सो वी नो कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, अगर नंबर हमारा एन है, all the factors of that number are less than equal to that number.
और ऑल द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर आर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर, सो द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर एज वेल एज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एज वेल एज मल्टीपल. तो नंबर अपना खुद का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है. सो इफ यू आर एक्सक्लूडिंग मल्टीपल्स फ्रॉम द फैक्टर्स, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि फैक्टर भी होगा मल्टीपल होगा, दैट इज द नंबर इटसेल्फ. यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स में से हमें नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा, 7 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 8 फैक्टर्स विल बी देयर, जिनमें से कि एक होगा 1001. तो सच नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 8 - 1 विच इज इक्वल टू 7 फैक्टर्स. एंड दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर फैक्टर्स, जहां पे कि हम उस नंबर को एक्सक्लूड करते हैं. प्रॉपर फैक्टर्स आर ऑल फैक्टर्स लेस देन दैट नंबर. सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 इज इक्वल टू प्रॉपर फैक्टर्स. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7777. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे फॉर 7777. सो लास्ट या लास्ट लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक स्पेशल नंबर दैट वॉज एबीसी. बेसिकली ये नंबर क्या है, दिस इज एबीसी, लास्ट में 000 और उसमें हम ऐड कर रहे हैं एबीसी. तो इजंट इट एबीसी इंटू 1000 प्लस एबीसी इंटू 1, यानी एबीसी इंटू 1001. ये पहला नंबर है एबीसी 000, तो एबीसी इंटू 1000 प्लस एबीसी, यानी एबीसी इंटू 1001. तो दिस नंबर वॉज एबीसी इंटू 1001. बट ये नंबर हमारा क्या रहा है, इसमें 7 आ रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स आ रहा है कॉन्जेकेटिवली. 7-8 टाइम्स आ रहा है कॉन्जेकेटिवली. ठीक है, सो क्या इस नंबर को लिखा जा सकता है, कैन वी राइट दिस एज 7777 फॉलोड बाई 4 जीरोज प्लस 7777. क्योंकि अगर ऐसे ब्रेक कर पाएंगे थोड़ा सा नंबर हमारे लिए देखना आसान हो जाएगा. 7777 फॉलोड बाई 4 जीरोज प्लस 7777. और जो पहला नंबर है हमारा दैट इज 7777 इंटू 10,000 प्लस 7777. सो 7777 को कॉमन ले लोगे सो बच जाएगा 10,000 प्लस 1 विच विल बी 10,001 ओके क्या यहां तक बात क्लियर होती है. नाउ 7777 को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल फैक्टराइज कर पाएंगे. दिस इज 7 इंटू 1111 और ये 1111 हमारा दिस इज 11 का मल्टीपल. सो दिस विल बिकम 7 इंटू 11 इंटू 101. 11 से डिवाइड कर दोगे 101 आ जाएगा. सो इसको तो फैक्टराइज कर दिया. अब चेक करना बाकी रह गया कि 1 फॉलोड बाई 3 जीरोज एंड देन 1, यानी 10,001 हमारा प्राइम होगा या नहीं होगा. ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. देखो 11 वी नो इज अ प्राइम नंबर. ओके 101 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. द स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर इज 101. देन 111 इज नॉट अ प्राइम, दिस इज नॉट अ प्राइम बिकॉज 111 इज इक्वल टू 37 इंटू 3, 3 का मल्टीपल है, का मल्टीपल है. देन 1001 इज अगेन नॉट प्राइम, दिस इज 7 इंटू 11 इंटू 13. ओके और 1111 हो तो दिस इज 11 इंटू 101, तो दिस इज ऑल्सो नॉट प्राइम, ऑल्सो नॉट प्राइम. ओके और ऑब्वियसली 11 है प्राइम और 101 प्राइम है, तो दो प्राइम्स का मल्टीपल है और फैक्टराइज नहीं कर सकते इसको. नेक्स्ट नंबर आया 1 फॉलोड बाय 3 जीरोस देन 1, नहीं 10,001, दिस इज आल्सो नॉट प्राइम. और इसके फैक्टर्स को भी याद रखना है थोड़ा सा. 137 इंटू 73, दीज आर द फैक्टर्स, टू फैक्टर्स और 137 एंड 73 बोथ आर प्राइम फैक्टर्स. तो इनको और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ 10,001. ओके क्लियर. एक और नंबर लास्ट में देख लेते हैं, 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस एंड देन 1. सो अगर 1 और 1 के बीच में हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस है, तो चाहे 2 जीरोस हो या 4 जीरोस हो, दिस विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 11. सो दिस इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 11, दिस विल बी 11 इनटू 9091.
ओके। और अगर इसके बाद और एक नंबर देखें जहां पे कि 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस एंड देन 1 अगेन, दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 11, 11 इनटू समथिंग। क्लियर है? तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा अपने एंड पे एक बार फिर से इनको लिख के देख लेना, समझ जाओगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है 1001 तो याद रखना ही है, बार बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर भी याद रखना है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज 137 into 73, यानी कि दो प्राइम्स का मल्टीपल है। ओके, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे अपने। सो यहां तक हम पहुंच गए थे, तो दिस वॉज 7 into 11 into 101, और 10001 के फैक्टर्स हो जाएंगे 137 into 73। सो दिस होल नंबर विल बी 7 into 11 into 73 into 101 into 137। सो टोटल 5 प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। ओके, और सबकी पावर कितनी है? 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 1+1 यानी 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 32 फैक्टर्स विल बी देयर, 32 फैक्टर्स विल बी देयर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब एक और मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन को करने का, बट पहले ये मेथड समझ में आता है कि नहीं? एक और मेथड देखते हैं जो कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में समझा था, उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वैसे भी अप्रोच कर सकते हो, देखो, और रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। तो अगर 7 तुम कॉमन ले लो तो नंबर बच जाएगा हमारा 1111 1111, 8 टाइम्स 1 है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, और 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर हमें नंबर मिलता है 99, नाउ वी नो दैट 99 इज 100 माइनस 1, लाइक दिस इज 10² - 1। अगर नंबर मिलता है हमें 999, सो दिस इज 1000 - 1, लाइक 10³ - 1, तो बड़ा ही प्यारा सा नंबर बन जाता है अगर सारे के सारे नंबर्स डिजिट्स हमारे 9 हो जाए। सो दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 9, तो 7/9, और 9 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो नंबर आ जाएगा हमारा इनसाइड 8 × 9। अब जो गलती नहीं करनी है कि अगर हमारा 2 × 9 आया है तो दिस इज 10² - 1, 3 × 9 आया है तो दिस इज 10³ - 1, अगर 8 × 9 आया सो दिस विल बी 10⁻¹⁸ - 1, यानी कि 1 followed by 8 zeros - 1। ओके, ठीक है, 1 followed by 8 zeros - 1, क्लियर होता है? अब 10⁻¹⁸ - 1 को क्या कह सकते हैं हम? दिस इज नथिंग बट 10⁻¹⁸ - 1⁻¹⁸, इस तरह से देखो। तो इफ दिस इज a² - b², सो वी कैन राइट दिस एज 10⁻⁴+1 × 10⁻⁴ - 1, बिकॉज 1 की कोई पावर हो तो 1 ही रहने वाली है। सो दिस विल बी इक्वल टू 7/9 × 10⁻⁴ - 1 × 10⁻⁴ + 1। अब 10⁻⁴ - 1 को तुम फैक्टराइज कर सकते हो, सो दिस विल बिकम 7/9 × 10² + 1 × 10² - 1, और साथ में मल्टीप्लाई था 10⁻⁴ + 1, तो 7/9 × 10² + 1 इज 101, 10² - 1 इज 99, और इनटू 1 followed by 3 zeros and 1, 10001, 9 से काटो के बच जाएगा 11, तो दिस इज 7 × 11 × 101 × 10001, क्या हुआ 137 × 73। सो सारा पूरा हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, इसके बाद का कहानी तो सेम ही रहेगा, बट ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हो। क्या मेथड डिवाइज हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1512 एक्सक्लूडिंग द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें 1512 के फैक्टर्स तो चाहिए सारे के सारे, बट वी हैव टू एक्सक्लूड दोज फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स को हमें रिमूव भी करना है एडिशनली। ओके, सबसे पहले 1512 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो 1512 एक इवन नंबर है, वो तो देख ही रहा है, 2 से का मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, यानी कि दिस इज 6 × 250 होता है 1500 प्लस 2, 6 × 252, 6 × 252 हो गया। ओके, ठीक है, अब 252 को फैक्टराइज करोगे क्या आ जाएगा? दिस इज 28 × 9, और 6 × 9 × 28, 6 × 9 × 4 × 7, तो दिस विल बी 2³ × 3³ × 7⁻¹⁰, 2³ हो गया 3³ हो गया और 7⁻¹⁰। हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? सबसे पहले टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर रिमूव कर देंगे सारे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 3+1 4 × 4 × 2, तो 32 फैक्टर्स आ जाएगा टोटल,
और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे? परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए? पावर्स इवन होना चाहिए, सारे प्राइम नंबर्स का पावर शुड बी इवन। सो बस इवन पावर ऑफ केसेस, इवन पावर वाले केसेस को देख लेते हैं। सो टू की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? थ्री। टू की मैक्सिमम पावर है थ्री, थ्री की मैक्सिमम पावर है थ्री। तो इवन पावर्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो टू का पावर कैन बी जीरो, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर टू का पावर कैन बी टू। टू का पावर फोर तो हो नहीं सकता बिकॉज मैक्सिमम पावर ही थ्री है, तो ये केस तो नहीं होगा। सिमिलरली थ्री का पावर कैन बी जीरो और थ्री का पावर कैन बी टू। कितने केसेस बन जाएंगे हमारे? पहला नंबर बनेगा टू टू पावर जीरो इंटू थ्री टू पावर जीरो यानी कि वन। सेकंड बनेगा टू टू पावर जीरो इंटू थ्री स्क्वायर यानी कि नाइन। थर्ड बनेगा टू स्क्वायर इंटू थ्री की पावर जीरो यानी कि फोर। और फोर्थ बनेगा टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर यानी कि 36। सो टोटल फोर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनेंगे हमारे, फोर नंबर्स, फोर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स आर देयर फॉर दिस नंबर। सो हमारा आंसर आ जाएगा 32 माइनस फोर एंड दैट इज इक्वल टू 28। सो 28 सच फैक्टर्स आर देयर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। 28 विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इज इक्वल टू 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 पावर फोर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू सेवन क्यूब मल्टीप्लाइड बाई के एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। तो एन हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ के गिवन के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो वॉट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ के, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ के। और जबकि एन एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सारी पावर्स को इवन होना पड़ेगा, और परफेक्ट क्यूब है तो सारी पावर्स को मल्टीपल ऑफ थ्री भी होना पड़ेगा। बट सबसे पहला काम सारे केसेस हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहां पे तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है, टू की पावर फोर है, थ्री का स्क्वायर है, सेवन क्यूब है, टू थ्री सेवन सारे के सारे प्राइम है। बट अगर नहीं होता तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते, उसके बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है। सो एन ऑलरेडी हमारा क्या है, दिस इज टू टू द पावर फोर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू सेवन क्यूब एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई के। तो टू की पावर अभी फोर आ रही है, इवन तो है, बट क्या ये मल्टीपल ऑफ थ्री है? नहीं है अभी मल्टीपल ऑफ थ्री। तो अगर मल्टीपल ऑफ थ्री इसको बनाना है तो सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नंबर चाहिए होगा हमें? वी मस्ट मल्टीप्लाई दिस बिट बाई टू का स्क्वायर, तब तो बनेगा टू का पावर सिक्स जो कि इवन भी होगा और मल्टीपल ऑफ थ्री भी होगा, है कि नहीं? सिमिलरली थ्री का स्क्वायर है, इवन तो है, बट क्या मल्टीपल ऑफ थ्री है? नहीं है, मल्टीपल ऑफ थ्री तो नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तब ये थ्री क्यूब तो बन जाएगा बट इवन नहीं बचेगा। तो इवन और मल्टीपल ऑफ थ्री दोनों होना चाहिए, तो उस केस में मिनिमम पावर कितना होगा? मिनिमम पावर मस्ट बी इक्वल टू सिक्स, इनफैक्ट पावर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ सिक्स का, सिक्स का मल्टीपल होना चाहिए, के तो नहीं लिखेंगे बट मल्टीपल ऑफ सिक्स, ठीक है, बिकॉज के ऑलरेडी हमारा एक नंबर है यहाँ पे। दिस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ सिक्स, तो सिक्स ए मान लेते हैं यहाँ पे कि ए एक इंटीजर है, तो सिक्स का मल्टीपल होगा पावर हमारा। तो डेफिनेटली हम थ्री की पावर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, क्योंकि वन से काम चलने वाला नहीं है, और फिर हमारा थ्री की पावर भी सिक्स हो जाएगा। क्या है पार्ट क्लियर है? बाय द सेम लॉजिक सेवन की पावर अभी थ्री है और हमें इवन और मल्टीपल ऑफ सिक्स चाहिए, यानी कि मिनिमम पावर सिक्स होना चाहिए, तो सेवन क्यूब से मल्टीप्लाई करो। ओके, सो द नंबर विल बी सेवन टू द पावर सिक्स, ये हमारा नंबर आ गया। बट क्वेश्चन इस नंबर के बारे में नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है के क्या होगा, तो के विल बी मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ के आ जाएगी टू स्क्वायर इंटू थ्री टू पावर फोर इंटू सेवन क्यूब। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ के, टू स्क्वायर इंटू थ्री टू पावर फोर इंटू सेवन क्यूब। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ के विल बी इक्वल टू, टू स्क्वायर है, पावर टू है, तो थ्री इंटू फाइव इंटू फोर यानी कि 60 फैक्टर्स होंगे इन टोटल। 60 फैक्टर्स, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? 60 फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगा? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगा? तो के का अगर फर्स्ट वैल्यू हमें निकल गया है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? हमें पावर्स हमेशा हर एक केस में क्या चाहिए? सिक्स का मल्टीपल चाहिए। तो अगर टू की पावर सिक्स आई है अभी हमारे नंबर में, जबकि परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है, नेक्स्ट नंबर कब मिलेगा? जबकि हम टू की पावर सिक्स और एडिशनली मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि के का नेक्स्ट वैल्यू विल बी ऑलरेडी है टू स्क्वायर थ्री टू द पावर फोर सेवन क्यूब, और अगर टू की पावर सिक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे काम हो जाएगा हमारा, थ्री की पावर सिक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे काम हो जाएगा, सेवन टू द पावर सिक्स और मल्टीप्लाई कर दोगे काम हो जाएगा। सो दिस विल बी द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के।
ओके ठीक है, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें तो के का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी टू टू द पावर 6a प्लस 2, 3 टू द पावर 6a प्लस 4 एंड 7 टू द पावर 6a प्लस 3, जहां पे कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर नहीं पॉजिटिव इंटीजर तो है ही है बट जीरो भी चलेगा ना, जीरो भी हो सकता है, सो a इज अ होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, ए इज अ होल नंबर, इन जनरल सॉल्यूशन भी हमें समझ में आ गया। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 10890 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम फैक्टर्स कितने तरीकों से हम 10890 को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स। ओके ठीक है, टू भी ऐड कर लेते हैं, टू को प्राइम फैक्टर्स कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला काम फैक्टराइज करना है 10890 को, तो दिस कैन बी रिटन एज 1089 इंटू 10, और 1089 ऑलरेडी हमारा क्या है 9 का मल्टीपल है, तो 9 और सेपरेट कर लो इसमें से, तो 9 इंटू 121 इंटू 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 993 स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, सो दिस इज अवर नंबर। ठीक है, नंबर हमारा है 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर, 5 टू द पावर 1 11 स्क्वायर, दिस इज अवर ओरिजिनल नंबर, और हमें इसको ब्रेक करना है, लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स, और को प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा, तब पॉसिबल होगा जबकि एक प्राइम नंबर के सारे पावर्स को हम एक साथ रखें, एक प्राइम नंबर की सारी पावर्स को हम एक साथ रखें। फॉर एग्जाम्पल कि इफ वी ब्रोक दिस नंबर इंटू 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 11 स्क्वायर, तब तो चलेगा, दिस इज अलाउड, बट अगर तुमने लिख दिया 2 की पावर 1 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 11 स्क्वायर, तब प्रॉब्लम है बिकॉज 3 का पावर 1 विल बी अ कॉमन फैक्टर, HCF will be equal to 3, so this will not be allowed, this will not be allowed, ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है, इसी लॉजिक के अराउंड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलते हैं फ्रेश पेज पे, 2 to the power 1 3 square into 5 to the power 1 11 square, so सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है, फर्स्ट सॉल्यूशन could be When we take one number as one, एक नंबर को वन ले लेते हैं और सेकेंड नंबर एज टू टू द पावर वन थ्री स्क्वायर फाइव टू द पावर वन इलेवन स्क्वायर, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया जहां पे कि पूरा का पूरा एक नंबर हमने पूरा n एक साइड में रख दिया और एक साइड में वन रख दिया, दिस इज अलाउड बिकॉज अल्टीमेटली यहां पे वन इज को प्राइम विद ऑल द नंबर्स, तो पहला केस तो ये हो गया। सेकेंड केस कुड बी जब एक नंबर की सारी पावर्स को हम एक साइड में ले और बचे हुए नंबर को दूसरी तरफ छोड़ दें, तो यानी कि टू की पावर वन एक साइड में ले और बाकी जो बचा हुआ नंबर है अपना वो दूसरे साइड में छोड़ दिया, क्या नंबर है ये मैटर नहीं करता क्योंकि हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, टू की पावर वन हो सकता है या थ्री स्क्वायर को एक साइड में लेके आ जाओ या फाइव टू द पावर वन को एक साइड में लेके आ जाओ या इलेवन स्क्वायर को एक साइड में लेके जाओ, तो ये हमारे कितने केसेस बनेंगे, फोर केसेस, फोर केसेस होंगे जहां पे कैसा हम कर सकते हैं, इज दिस क्लियर। ठीक है, पहला केस आ गया, हमने वन को एक साइड में कर लिया और बाकी नंबर्स को एक साइड में कर लिया, फिर चार केस हमारे बन गए जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की सारी पावर्स को एक साइड में किया और बाकी जो तीन नंबर्स थे तीन प्राइम नंबर्स की पावर्स थी वो सब एक साइड में दूसरे नंबर में शिफ्ट हो गए। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट ये टू को प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है ये ध्यान रखना है। ओके ये मेंशन होगा क्वेश्चन में डेफिनेटली, यहां पर तो क्योंकि मैंने टाइप किया तो इसलिए ऐसा हो गया। ओके सो ये केसेस बन गए फाइन, अब थर्ड केस क्या बन सकता है कि दो नंबर्स की पावर्स को एक साथ लिख दो और बचे हुए दो नंबर्स की पावर्स सेपरेटली आ जाएंगे, सो फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 5 टू द पावर 1 11 स्क्वायर विल बी द अदर नंबर, दोनों का प्रोडक्ट है यह हमारा नंबर। ठीक है, सेकंड केस हो सकता है 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 तो बच क्या जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, थर्ड केस हो सकता है 2 टू द पावर 1 इंटू 11 स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1, क्या इसके अलावा कोई एक और केस बनना पॉसिबल है, क्योंकि अब तुम कोई भी और केस बनाओगे दो नंबर्स की पावर्स को एक साथ लोगे तो यही वाले केसेस होंगे जो वापस से तुम लेफ्ट हैंड साइड में रिपीट कर दोगे, तो सिर्फ और सिर्फ तीन केसेस ही बनेंगे, सिर्फ तीन केसेस ही बनेंगे इस केस में, थ्री केसेस ओनली। ओके
अब तुम सोच सकते हो कि अब हम तीन पावर्स को एक साथ लेके आ जाएं, बट क्या वो हम ऑलरेडी कर नहीं चुके हैं? क्योंकि जब हमने 2 की पावर 1 को एक साइड में सेपरेट किया था, तो क्या हमारा क्या नंबर जो नंबर बचा था वहां पे तीन पावर्स एक साथ नहीं थी? 3 स्क्वायर × 5 टू द पावर × 11 स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड केस में होगा, सिमिलरली थर्ड केस में होगा, और सिमिलरली फोर्थ केस में होगा। तो क्या यहाँ पे वही सेम चीज नहीं हुआ था? तो तीन पावर्स को एक साथ लाने वाला केस हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, चार पावर्स को एक साथ लाने वाला केस ऑलरेडी पहले केस में ही कंसिडर हो गया था। तो ये जितने भी हमारे पॉसिबल केसेस हैं वो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। टोटल केसेस कितने हैं? 3 + 4 + 1, टोटल सॉल्यूशन इज 8। यानी कि 8 वेज में वी कैन राइट 10890 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम फैक्टर्स। क्या ये समझ में आता है? टोटल 8 नंबर ऑफ वेज आर देयर, इज दिस क्लियर? ठीक है, ध्यान से देख लो इसको एक बार। हमने क्या किया, हमारा पर्पस था हमें 2 को-प्राइम फैक्टर्स चाहिए थे। को-प्राइम यानी कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि एक प्राइम नंबर की सारी पावर्स शुड बी हेल्ड टुगेदर। अब वो पहले नंबर में है, दूसरे में फर्क नहीं पड़ता, बट सारी पावर एक साथ होनी चाहिए। तो पहला केस हमने कंसिडर किया, एक साइड में 1 ले लिया, एक साइड में बाकी, एक साइड में पूरा का पूरा नंबर ले लिया, अलाउड केस है। सेकंड केस में हमने ये किया कि एक नंबर की सारी पावर्स को एक साथ लिया और बाकी सारा बचा हुआ पार्ट छोड़ दिया दूसरे साइड के लिए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा पूरा नंबर बना देगा। तो ऐसे में 4 केसेस मिले, बिकॉज टोटल 4 यूनिक टाइम नंबर्स है हमारे। यहां पे क्या है, 4 यूनिक टाइम फैक्टर्स है इस नंबर के। ठीक है, 4 यूनिक टाइम फैक्टर्स थे, कौन कौन से? 2, 3, 5 और 11। कभी कभी ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे यूनिक प्राइम फैक्टर्स है 2, 3, 5 और 11। ठीक है, उसकी पावर कितनी है वो मैटर नहीं करता, बट यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं हमारे? 2, 3, 5 और 11। ओके, प्रोडक्ट में हमारे। ठीक है, थर्ड केस में हमने क्या किया कि दो नंबर्स की सारी पावर्स को एक साथ ले लिया, तो दो नंबर्स की सारी पावर्स दूसरे साइड में भी आएंगी, और यही हमारे सारे के सारे केस एग्जॉस्टिव हो गया। पूरा सारे के सारे केसेस हमारे सॉल्व हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 8। ये एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड अप्रोच भी समझते हैं, जहां पे थोड़ा बहुत पीएनसी वाला लॉजिक भी लगेगा, पर ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो जब पीएनसी देखोगे उसके बाद में समझ लेना उसको। अगर अब तक पीएनसी का चीजें नहीं देखा है तो एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट अस से नंबर्स ए एंड बी। वैसे सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए? अनऑर्डर्ड चाहिए, ठीक है, बट मान लिया नंबर्स हमारे ए और बी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास टोटल नंबर क्या है? 2 टू द पावर क्या है? 1, 3 स्क्वायर, 5 टू द पावर 1, 11 स्क्वायर। तो ये समझ लो हमारे पास चार ये अलग अलग आइटम्स हैं। ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4। अब किसी एक आइटम को, ए और बी हमारी बकेट्स हैं, तो किसी एक आइटम को हम ए बकेट में डाल सकते हैं या बी बकेट में डाल सकते हैं, मर्जी हमारी है, मर्जी हमारी है। तो हर एक आइटम के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? या तो पहली बकेट में डालेंगे या दूसरी बकेट में डालेंगे। और सारी पावर्स को एक साथ रखनी थी, इसलिए हमने सारी पावर्स का एक नंबर की सारी, एक प्राइम नंबर की सारी पावर्स को एक साथ रखा है, एक आइटम बनाया है। ठीक है, सो अगर एक नंबर की सारी पावर्स को तुम एक साथ डालने वाले हो, तो हमेशा जो हमारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं, क्योंकि ए और बी अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही होंगे हमारे, वो हमेशा को-प्राइम बनेंगे, हमेशा ही को-प्राइम बनेंगे। ठीक है, सो बेसिकली सारी आइटम्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। आइटम नंबर 1 को या तो ए बकेट में डालोगे या 2 में डालोगे, 2 चॉइसेस है। ए में डालोगे या बी में डालोगे, बी आइटम नंबर 2 के लिए भी 2 चॉइसेस है, आइटम नंबर 3 के लिए भी 2 चॉइसेस है, आइटम नंबर 4 के लिए भी 2 चॉइसेस है। बट अल्टीमेटली क्योंकि हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन पूछा है। अगर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन पूछा होता तो इतने में हमारा काम हो जाता, यानी कि हमारे पास 16 वेज होते इफ देयर वाज अ ऑर्डर्ड सॉल्यूशन। हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर्ड सॉल्यूशन एंड अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन के वेज हो जाएंगे 16, क्योंकि वहां पे ए बकेट डिफरेंट और बी बकेट डिफरेंट है। बट अगर सॉल्यूशंस अनऑर्डर्ड है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने पूछा है इन हाउ मेनी वेज कैन बी राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ को-प्राइम फैक्टर्स, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, यानी ए और बी में उनको सेग्रीगेट नहीं किया गया है, सो इन दैट केस हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16/2 यानी कि 8 वेज होंगे इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड। और लॉजिक क्या है उसका? क्योंकि अगर तुमने एक केस ऐसा आएगा लेट अस से जहां पे कि तुमने 2 की पावर 1 और 3 स्क्वायर इसको एक बकेट में रखा, इन दोनों का प्रोडक्ट ए होगा, दूसरे बकेट में जाएंगे 5 टू द पावर 1 और 11 स्क्वायर। ठीक है, ये केस बनेगा तुम्हारा ऑर्डर्ड वाले केस में, और एक केस इसका उल्टा भी बनेगा, 5 टू द पावर 1 × 11 स्क्वायर और 2 टू द पावर 1 × 3 स्क्वायर सेकंड बकेट में गया। बट क्या अनऑर्डर्ड वाले में दोनों केसेस सेम नहीं होंगे? तो ऑर्डर्ड वाले केस में दीज आर 2 केसेस, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन में पहले वाले केस में ए की वैल्यू आ रही है 2 टू द पावर 1 × 3 स्क्वायर और बी की वैल्यू आ रही है 5 टू द पावर 1 × 11 स्क्वायर।
ठीक है। और सेकंड केस में ए की वैल्यू आ रही है 5 to the power 11 स्क्वायर और बी की वैल्यू आ रही है 2 to the power 1 into 3 स्क्वायर, यानी कि दोनों सॉल्यूशंस में हमारा ए का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। बट जब हम ए और बी में डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तब तो दोनों फैक्टर्स हमारे सेम ही आ रहे हैं ना, ठीक है। पहले कौन सा है बाद में कौन सा, इससे फर्क क्या पड़ता है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, दोनों फैक्टर्स तो हमारे अल्टीमेटली सेम ही है, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑर्डर्ड के केस में दीज विल बी काउंटेड एज टू सॉल्यूशंस, बट अनऑर्डर्ड के केस में दीज विल बी काउंटेड एज वन सॉल्यूशन, और इसीलिए हम डिवाइड करेंगे बाय टू, टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। या प्रॉपर पीएनसी के टर्म्स में कहें, टू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ए और बी को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, टू फैक्टोरियल, बट टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू, दैट इज वाई 16/2 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 8 वेज विल बी देयर। क्या ये लॉजिक समझ में आता है, ठीक है। अगर पीएनसी अभी तक पढ़ा नहीं है तो नहीं समझ में आएगा या दिक्कत होगा, उस केस में एक बार पीएनसी जब पढ़ लोगे तो एक बार ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट अभी समझने की कोशिश जरूर करो, ठीक है। और पहला मेथड तो समझ में आ ही गया होगा, ओके, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, एंड आई बिलीव कि जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा और सेशन तुम्हें पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।